हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। स्टेनोग्राफर के Grade C एंड Grade D दोनों ही टाइप के पोस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आई हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के थ्रू ये वैकेंसी कराई जाती है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इस साल के लिए आपका 3500 से लेके 4000, आप ये सोच सकते हो कि 5000 तक के सीट आपका आ सकता है। इसके लिए जो फॉर्म फी रहता है ना फ्रेंड्स, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज लिया जाता है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से 0 रुपीज, मतलब कि उनसे कोई फी चार्ज नहीं की जाती है। फ्रेंड्स देखिए, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका मैथ्स वीक है तो ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लास्ट तक जरूर वीडियो को वॉच करिएगा। और अगर इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जाइए वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अब देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी, दोनों ही ग्रेड के लिए बताऊंगी। सबसे पहले बात ये कि किस डेट से एज कैलकुलेट किया जाएगा। एज ऑन 1st of August 2024, मतलब कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार ग्रेड सी की पोस्ट के लिए 18 to 30 ईयर्स, 18 वर्ष से 30 वर्ष। फॉर ग्रेड डी 18 to 27 ईयर्स, मतलब 18 वर्ष से 27 वर्ष है ग्रेड डी वालों के लिए। अपर एज की जो लिमिट होती है ना, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को 5 ईयर्स का। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, जो भी बच्चे 12th पास आउट है सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। डजंट मैटर आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, या फिर आपका 12th का क्या परसेंटेज है, सिर्फ पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि इसका अप्लाई कब से होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। फ्रेंड्स देखिए, SSC ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें बताया गया है कि 16 जुलाई से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 17 अगस्त रहेगा। तो बहुत जल्द वैकेंसी हम सभी के बीच आने वाली है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा ना, वो 16 जुलाई को रिलीज कर दिया जाएगा। अब साथ ही साथ एग्जाम कैलेंडर भी आया है SSC का, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा। तो तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए क्योंकि काफी कम समय बचा है। सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, प्रीवियस ईयर के सेट लगाने होते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बता दूं कि सिलेक्शन कितने स्टेज से गुजरने के बाद आपका हो पाएगा। देखिए, 3 मेजर स्टेज रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है ऑनलाइन CBT। एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी तो आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आपको पता है कि स्टेनोग्राफर का है तो स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा। फिर DV यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाएगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगी और सारे जो आपका एग्जाम सेंटर होता है ना, ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। चलिए आगे अब हम समझ लेते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, डिटेल में स्किल टेस्ट भी समझ लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है फ्रेंड्स, जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 200 मार्क्स, विच मीन्स पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है और टाइम आपका 2 आवर्स यानी 2 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें ना, तो पहले ही बताया कि जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होंगे। आई होप आप ये पार्ट समझ गए होंगे। एग्जाम क्वालिफाई करोगे आप, देन आपका स्किल टेस्ट होता है फॉर स्टेनो। ग्रेड डी के लिए ना 800 वर्ड्स का होता है, डिक्टेशन होता है 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए और 50 मिनट का ये टेस्ट होता है। ग्रेड सी वालों के लिए 1000 वर्ड्स का होता है, @100 वर्ड्स पर मिनट और टाइम आपका रहता है 40 मिनट का। फिर इसको क्वालिफाई करते हो, सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, फिर आप सर्विस करते हो। सर्विस के दौरान सैलरी क्या मिलती है दोनों ही ग्रेड के लिए मैं बता देती हूँ। ग्रेड सी वालों को 51,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है,
ग्रेड डी वालों को 36,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसमें आपका पर्क्स अलाउंसेस बहुत अच्छा होता है, सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। आई होप आप इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल समझ गए होंगे। अब भी कुछ पूछना है इस पोस्ट के बारे में तो कमेंट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।